वेलकम टू एयर रहमान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एट बॉल पूल ने न्यू अपडेट दे दिया, जिसकी हेल्प से आप लोग अपनी आईडी का नेम चेंज कर सकते हैं। कोई मसला नहीं आएगा आप लोगों को, कोई जीमेल लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, फेसबुक लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों का मिनी क्लिप जीमेल कोई भी अकाउंट है तो उसका नेम आप आराम से चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर किसी ने एट बॉल पूल की कोई भी चीज़ लेनी हो, कॉइन्स, कैश, गोल्डन शॉट, पूल पास, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने एट बॉल पूल ओपन किया आप लोगों के सामने। अगर आपने गेम को अपडेट नहीं किया तो प्ले स्टोर से जाके आप गेम को अपडेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वर्जन भी चेक करवा देता हूँ कि कौन सा वर्जन है। 5.12.0 इस वर्जन का नाम है, ये आप लोगों के सामने है। ये देखें, 5.12.0, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, प्ले स्टोर पर ये ऑफिशियली अपडेट इसकी आ चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया तो आप अपडेट कर लें। ये देखें, गेम के ऑप्शंस में जाके, क्योंकि एट बॉल पूल ने बहुत ज़्यादा वर्जन लॉन्च किए हुए थे पिछले कुछ दिनों में। आए दिन एट बॉल पूल नया वर्जन लॉन्च कर रहा था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज थे कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करें, कौन सा अच्छा वर्जन है। ये नया वर्जन है, अभी इसमें कोई हैकर भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ये देखें, प्ले स्टोर पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 5.12.0। अगर आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से जाके आप इसको इंस्टॉल कर लें, अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद एट बॉल पूल ओपन करेंगे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आप नेम चेंज किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही आराम से, आसानी से कर सकते हैं। पहले तो बहुत झंझट हुआ करता था, जीमेल लिंक करें, फेसबुक लिंक करें, ये करें, वो करें, ये करें। आप लोगों को अपनी आईडी का नाम चेंज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन एट बॉल पूल ने फाइनली उसको फिक्स कर दिया। ये देखें, जैसे ही मैंने प्रोफाइल पर ओपन की, मेरा नाम यहाँ पर रहमान आ रहा है। तो ये देखें, यहाँ पर पेंसिल का भी ऑप्शन आप लोगों के सामने मिल जाता है। तो इस पर मैं क्लिक करके इसको, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, अब आप लोग अपनी मर्जी का कोई भी नाम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी अपडेट एट बॉल पूल में, एट बॉल पूल ने दी है। दूसरी गेम्स में तो आप लोग जब चाहे अपना नाम चेंज कर सकते थे, लेकिन एट बॉल पूल का अनोखा सर्वर है। एट बॉल पूल को हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजी थी कि भाई हमें अपनी आईडी का नेम चेंज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो तकरीबन 8 साल बाद इन्होंने ये अपडेट दे दी है। इस या एट बॉल पूल में फर्स्ट टाइम ही गेम के अंदर ऐसी अपडेट आई है जिसकी हेल्प से आप लोग अपना नेम चेंज कर सकते हैं। आप लोग स्टाइलिश नेम लिख सकते हैं, कोई भी नेम लिखना हो तो आप लोग आराम सुकून से लिख सकते हैं। अब ये स्टाइलिश नेम कैसे लिखना है ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। स्टाइलिश नेम आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद वेबसाइट आपने गूगल पे सर्च कर रहना है, स्टाइलिश स्टाइल नेम, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने अक्सर लोगों के देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लोग नेम अपनी आईडी के नेम रखते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैं स्टाइलिश नेम पहले नंबर पे वेबसाइट है, इसको मैंने ओपन की। यहाँ पे जो आप लोगों ने अपना नाम रखा है वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मैंने जैसे लिखा AR रहमान एट बॉल पूल। अब ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम आ गए हैं, अजीब अजीब से स्टाइल आ गए हैं, ये सब तो आप लोग नहीं लगा सकते, लेकिन आपने इसको देख लेना है। मैंने कुछ नेम चॉइस किए हैं, यहाँ से इनको मैं कॉपी कर लूँगा। अब ये पूरा नेम एट बॉल पूल में, इतना बड़ा नेम आप लोग नहीं लिख सकते। मैं इसके स्टार को अलग से कॉपी कर लेता हूँ और ये दूसरे स्टाइल को अलग से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि गेम में मैं इसको आराम से पेस्ट कर सकूँ और आप लोगों के सामने इसको एडिट कर सकूँ। सिंपल नेम तो आप लोग आराम सुकून से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को स्टाइलिश नेम लिखना है तो आप वेबसाइट पर जाके अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल कॉपी करें और फिर उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। जैसे मैं क्लिप बोर्ड की हेल्प से, देखें ये मैंने स्टाइल लिखा, उसके बाद जो आप लोगों को चाहिए ब्रैकेट, चाहे ब्रैकेट के साथ लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट के साथ लिखें AR रहमान। मैं स्टाइल में थोड़ा लिख लेता हूँ AR रहमान। अगर आप लोगों भी इस तरह से लिखना चाहते हैं तो वीडियो को देखें, जिस तरह से आपको जो 2-3 स्टेप बताए हैं उसकी हेल्प से आप लिख सकते हैं। और ये स्टार लिखना है या कीबोर्ड से, आप लोग, आपको कुछ भी लिखना है आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़े से स्टार डाल देता हूँ, ब्रैकेट डाल दी, डॉट डाल दिया, स्पेस दे दी। तो कोई भी आप लोग नेम लिख सकते हैं, बस इनके थोड़े से ये है कि कुछ कोई एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कोई एक्सेप्ट नहीं करते। तो जैसे आप लोगों ने नाम लिखना है वो आप लिख सकते हैं, डॉट और ये ब्रैकेट। अब मैं इसको स्टार, 2-1 स्टार डाल के इसको फाइनल कर देता हूँ। तो ये कन्फर्म, ये अभी फर्स्ट टाइम तो ये फ्री है। अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो क्या पता इसमें कोई ये वाउचर ले आए, जैसे पबजी में 7 दिनों का वाउचर होता है, उसको परचेज़ करना होता है, तो इस तरह करके कुछ ले आए। लेकिन अगर आप इसको नेक्स्ट टाइम परचेज, नेक्स्ट टाइम नेम चेंज करेंगे तो वो 7 दिन के बाद ही चेंज होगा, 7 दिन से पहले चेंज नहीं होगा। तो अभी इस स्टाइलिश नेम के साथ मैं एक गेम लगा लेता हूँ।
अगर आप लोगों ने गेम देखनी है तो देखें, वीडियो तकरीबन एंड हो ही चुकी है जिस टॉपिक पर हमारी वीडियो थी। ये देखें एआर रहमान, मेरा नेम देखें कितना स्टाइलिश है, और जो सामने वाला है उसका लेवल भी 707 है, मुझसे बहुत हाई लेवल है, लेकिन नेम उसका बिल्कुल सिंपल है। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि नेम चेंज कैसे करना है, क्योंकि लोग सिर्फ गेम अपडेट करते हैं और आगे से वो कुछ देखते ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस सिंपल गेम खेल लेते हैं। तो किसी को पता ही नहीं होता, यहाँ पर ध्यान ही नहीं जाता। तो एक छोटी सी अपडेट आई थी गेट बॉल पूल ने, तो मुझे लगा आप लोगों को इसकी अपडेट दे देनी चाहिए। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने स्टाइलिश नेम अभी तक लिख लिया या नहीं लिखा। तो ये देखें गेट बॉल पूल के कुछ इमोट्स हैं मेरी आईडी में। आप लोगों की आईडी में कौन कौन से इमोट हैं और आप लोगों का फेवरेट इमोट कौन सा है, आपने मुझे वीडियो कमेंट में बताना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मुझे लाइक, वीडियो को लाइक कर दें। देखें इमोट्स की हेल्प से मैं इसको कितना तंग कर रहा हूँ। तो ये स्टाइलिश नेम हमारा लिखा हुआ है और ये सामने इसका नेम है। स्टाइलिश नेम के साथ एक गेम विन करेंगे अभी हम। उसने हमें ब्रेक तो दे दिया है, लेकिन हमारे सारी बाल जो है वो पॉट हुई है। तो इसके साथ थोड़ी सी एक ट्रिक लगाते हैं, इसको स्नोकर लगा देते हैं, जिसकी अभी ये देखें, ये मुझे अभी स्नोकर लग गया। तो ये देखें अभी इसने स्टैगर पॉकेट कर दिया, तो अभी बाल इन हैंड मिल गया। अब इसकी हेल्प से हम आराम से गेम विन कर सकते हैं। क्या आप लोग भी इसी तरह स्नोकर लगाते हैं? तो अगर आप लोगों ने भी इस तरह कभी स्नोकर लगा के गेम जीती है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए एट बॉल पूल के हवाले से तो कमेंट में मुझे बताएं, आप लोगों के उसी टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो आएगी। तो अगर किसी ने एट बॉल पूल की कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो, कॉइन्स, कैश, गोल्डन शॉट, पूल पास, कुछ भी लेना हो, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपनी आईडी में लेजेंडरी कैसे ओपन करनी है। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स एट बॉल पूल के कॉइन्स चाहिए हो तो कॉइन्स ट्रांसफ़र आप लोगों को पता है कि बंद हो चुके हैं। तो जिस तरह भी ये मैं बर्लिन की गेम खेल रहा हूँ और खेल के मैं विन कर लिया मैंने, इसी तरह कॉइन्स की डील्स आप लोगों को मिल जाएंगी। हमारे लड़के आप लोगों की आईडी में गेम को खेलकर बना के देंगे कॉइन्स, आराम सुकून से बर्लिन की रिंग भी निकाल के देंगे, कोई मसला नहीं आएगा, कोई बैन नहीं होगा, कोई आईडी में वार्निंग नहीं आएगी। तो कॉइन्स लेने हो, कैश लेना हो, पूल पास लेना हो, गोल्डन शॉट, कोई भी क्यू लेनी हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। किसी किस्म का भी अकाउंट लेना हो, लेजेंडरी अकाउंट या कुछ भी लेना हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।